देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीव गांधी की जीवनी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने किया। ये प्रदर्शनी 21 मई तक राजीव गांधी की पुण्यतिथि तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में राजीव गांधी के बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक के चित्रों को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में शिमला शहर के स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भारतीय युवा कांग्रेस शिमला में 21 मई तक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन गेटी थिएटर में कर रही है। इस प्रदर्शनी में राजीव गांधी के बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक के चित्रों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में शिमला शहर के स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है और उन्हें राजीव गांधी के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा। प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने युवा कांग्रेस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी के जीवन पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, इससे युवा पीढ़ी उनके बारे में जान पाएगी। हर्ष महाजन ने कहा कि वे राजीव गांधी को नजदीक से जानते थे, उनके साथ काम किया है। राजीव गांधी ने उन्हें हिमाचल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। ये तो बड़ी सराहने की बात है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और इंडियन यूथ कांग्रेस और हिमाचल यूथ कांग्रेस ने आज ये यहाँ एग्जीबिशन लगाई। ये बहुत कम अवसर होते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन जिन्होंने उस टाइम पैदा भी नहीं होती है उनको पता लगे कि कैसे कैसे हमारे प्रधानमंत्री रहे, कैसे सिंपल आदमी रहे। मैं तो उनको पर्सनली बड़ी क्लोज से जानता था क्योंकि उन्होंने मेरे को हिमाचल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजीव जी ने बनाया। तो वो इतने साधारण और सिंपल व्यक्ति थे, बड़े एजुकेटेड थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, पर उनका साधारणपन और उनकी जो मासूमियत थी फेस पे उस पर लोग मरते थे और उनका प्रभाव था ऐसा। उनको एक दफ़ा कोई मिल जाता था, देख लेते थे तो वो उसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाती। ये नेहरू गांधी फैमिली में एक ही रहा कि जो भी इनके फैमिली मेंबर रहे उनमें एक नेचुरल तेज था उनके फेस पे। इतनी 21st सेंचुरी का ड्रीम जो था राजीव जी का, वो एक हम उसके विटनेस हैं। तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जब 82 से शुरू हुई उनके टाइम आने, सैम पिट्रोडा उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन के हेड बनाए और उस टाइम वो यूएसए के जाने माने टेक्नोलॉजी जायंट थे। और जितनी तेज़ी से हिंदुस्तान रफ्तार पकड़ा उस टाइम और टेक्नोलॉजी आई, ये एक उदाहरण है। मेरा नहीं ख्याल ये उनकी जो मौत हुई वो ऐसे सर्कमस्टांसिस में हुई और इतनी दर्दनायक हुई और एक सैक्रिफाइस था कंट्री के लिए। एक कंट्री के लिए चाहे इंदिरा जी ने सैक्रिफाइस किया चाहे राजीव जी ने किया, ये किसी देश में किसी भी दुनिया के देश में इतने बड़े उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि एक सच्चे राजनेता जिन्होंने राजनीति से ज्यादा जनसेवा को महत्व दिया, उन्होंने रूढ़िवाद धर्मांधता से ज्यादा ज्ञान विज्ञान को महत्व दिया। राजीव गांधी ने न सिर्फ देश की उन्नति के लिए विज्ञान का सहारा लिया बल्कि उन्होंने देश में अमन व भाईचारा बनाए रखने के लिए भी तकनीक का प्रयोग किया। उनके बारे में युवा पीढ़ी जान सके इसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। चित्र प्रदर्शनी उनके जीवन की एक छोटी सी झांकी है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरु जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में 21वीं सदी के दूरदर्शी राजीव गांधी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन शिमला के अंदर किया और इसकी आज इसकी ओपनिंग थी। और ओपनिंग के लिए मैं हर्ष महाजन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, वो अपना समय निकाल के यहाँ पर आए। और जो ये फोटो एग्जीबिशन है ये 14 तारीख से आज से शुरुआत इसकी हो चुकी है और ये 21 तारीख तक जो डेथ एनिवर्सरी राजीव गांधी जी की हम कांग्रेस पार्टी मनाती है, 21 तक ये
चलनी है फोटो एग्जीबिशन। इसमें मैं बताना चाहूँगा सुबह 11 बजे से फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत होगी, शाम को 7 बजे तक ये फोटो एग्जीबिशन चलेगी। इसमें मुख्यतः देखिए हम बताना चाहते हैं जो 21वीं सदी की जो दूरदर्शी सोच स्वर्गीय राजीव गांधी जी की थी, उसमें इस फोटो एग्जीबिशन में उनके बर्थ से लेकर डेथ तक का जो सफर राजीव जी का रहा है उसको एक्सप्लेन किया गया है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल के नेशनल चेयरमैन यश चौधरी ने बताया कि राजीव गांधी की 21वीं सदी की दूरदर्शी सोच प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जो प्रगति हुई है उसकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में कई अनदेखी तस्वीरों को भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान राजनेता के जीवन को जानना हम सभी देशवासियों का सौभाग्य है। चित्र प्रदर्शनी के आखिरी दिन 21 मई 2022 को स्वर्गीय राजीव गांधी जी को गेटी थिएटर शिमला में श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। जो गेटी थिएटर में ये एग्जीबिशन लगी है, इस एग्जीबिशन का नाम है 21st सेंचुरी विजनरी, यानी राजीव गांधी की 21वीं सदी की दूरदर्शी सोच। राजीव गांधी जी वो प्रधानमंत्री थे जिनकी सोच इस देश की 21वीं सदी में जो हमारी प्रगति हुई है उसकी नींव राजीव गांधी जी ने रखी थी। चाहे हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे हम युवाओं के ऊपर भरोसा कर 21 की जगह 18 साल की आयु में उनको मतदाता का अधिकार देने की बात करें, या फिर हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, नवोदय विद्यालय, या फिर आईटी सेक्टर में कंप्यूटर क्रांति हो, इन सब चीज़ों के पीछे राजीव गांधी जी थे। यही नहीं, आज हमारे घर में चलते हुए टेलीविज़न, वो 1982 के एशियन गेम्स जो राजीव गांधी जी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो ही वो टाइम था जब भारत देश में कलर टेलीविज़न आए, जिसके बाद महाभारत, रामायण जैसे कार्यक्रमों ने एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये प्रदर्शनी राजीव गांधी जी के ऐसे कामों को दिखाने के लिए, साथ ही साथ कुछ ऐसी अनदेखी पिक्चरें, फोटोग्राफ्स जो आज तक कभी बाहर नहीं आई, जो उनके परिवार के साथ बचपन में नेहरू जी के साथ जो उनकी पिक्चर्स हैं वो दर्शाते हुए हमने यहाँ पर लगाई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इस फोटो एग्जीबिशन के ज़रिए हम दिखाना चाहते हैं वो है एक जो जुड़ाव राजीव गांधी जी का हिमाचल प्रदेश के साथ था वो शायद किसी और प्रदेश के साथ नहीं था। राजीव गांधी जी अक्सर हिमाचल आया करते थे, वो खुद ड्राइव करते थे रोड पर और उनको यहाँ पर आसपास लोग देखा करते थे, तो हिमाचल उनके लिए दूसरा घर था। हिमाचल के उन्होंने बहुत काम किए और हिमाचल उनका रिश्ता जो है वो हिमाचल के लोगों को दोबारा दर्शाने के लिए हमने फोटो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है। ये कितने दिन तक चलेगी? ये एग्जीबिशन 14 तारीख से स्टार्ट हुई थी और ये 21 तारीख शाम 7 बजे तक, जो उनकी पुण्यतिथि है उस दिन तक ये चलेगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 तारीख जो कि कल थी जिस दिन ये इस फोटो एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया गया, आज ही के दिन मतलब 14 तारीख के दिन ही राजीव जी अपनी डेथ से एक हफ्ते पहले हिमाचल प्रदेश आए थे। और जब वो हिमाचल प्रदेश आए तो वो खुद अपना एरोप्लेन उड़ाकर जब हिमाचल पहुँचे तो हिमाचल के उस टाइम के युवा कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष महाजन जी वो हैरान रह गए देखकर कि राजीव गांधी जी के साथ एक पुलिस वाला था, मतलब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ एक सिक्योरिटी, और ये बड़ी ही गंभीर बात थी। तो उस बात को याद करते हुए फिर बताया उस टाइम के यूथ कांग्रेस के हमारे जितने लीडर्स थे कि वीपी सिंह गवर्नमेंट की उस बात को देखते हुए बोला गया कि शायद राजीव जी के साथ कुछ घटना घट सकती है, और ऐसा ही कुछ हुआ। इस देश ने अपना एक सपूत, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसने युवाओं को और इस देश में नई सोच को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया, वो हमने खो दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।